हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल सही हूँ, मस्त हूँ। तो अब भी हो रही है शाम के 5:30 बज रहे हैं और मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लग रही है। आज समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं, और बाहर का खाने से आज मैं थोड़ा कतरा रही हूँ क्योंकि मैंने कल ही खाए थे नान और चने, जिसकी वजह से ना मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो गई थी। तो घर पर जब मैंने ये बताया तो मुझे पड़ी बहुत ज्यादा डांट, तो उसकी वजह से तो आज मुझे कहा है कि थोड़ा सा कम कर दो खाना बाहर का। तो मैंने सोचा चलो खुद ही कुछ बना लेते हैं, और इसी चक्कर में मैंने सोच रही हूँ कुछ चटपटा सा बनाओ जिसकी वजह जिससे मतलब मेरी भूख मिट जाए और मन भी शांत हो जाए, जो चटपटे की तरफ भागी जा रहा है खाने के लिए, कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो चलिए मिलके बनाते हैं। किचन में जाके ही पता चलेगा कि क्या बनाया जा सकता है जो हेल्दी भी हो और जिसे मेरी भूख भी मिट जाए और जिसे खाने के बाद मेरा पेट दर्द ना हो और मैं अपने घर वालों को फोन करके ना कहूँ कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो चलो बनाते हैं कुछ ऐसा। सबसे पहले तो मैं किचन में जाके देखूंगी ऐसा क्या बना सकती हूँ मैं। तो हम साथ ही में मिलके बनाते हैं। किचन की हालत दिखा दूं कि मैंने ना अभी एक बनाना खा लिया पर उससे भी मेरी शांति नहीं मिली है मुझे। तो चटपटे की भूख तो लग रही है। क्या खाऊं, चलो देखते हैं। तीनों डब्बों का हाल है, इसमें इन खजानों में हमें कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। एक ट्रे है पर ये सारा तो सारा मैदा ही है। ये भी देखो नहीं 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 बिल्कुल नहीं। अरे सेट नहीं बैठे अब हो गए। इसमें भी मैगी वगैरह है तो मैगी खाने का दिल नहीं कर रहा यार। पकौड़े ना बनाए, पकौड़े बनाते हैं, देखते हैं आलू पड़े हैं। हाँ हो जाएंगे, तीन आलू और इसके साथ है प्याज, प्याज भी है। तो आज हम पकौड़े बनाते हैं। देखो हेल्दी भी होता है और मेरी भूख को भी मिटा देगा, और चटपटी जो भूख है उसे मिटा देगा मतलब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीन ही आलू पर हो जाएगा अपना काम इतना में। आलू को मैंने गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है। मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि पकौड़े ऐसे थोड़ा ना बनते हैं, पकौड़े तो ऐसे वो लेंथ वाइज मतलब ऐसे सीधे सीधे वाले बनते हैं, पर नहीं, ये मैंने ना अपने फ्रेंड से बनाना सीखा था और उसने ये पकौड़े अपने नानी जी से सीखे थे। तो आज मैं वही पकौड़े बनाने जा रही हूँ, मतलब उसी स्टाइल में पकौड़े बनाने जा रही हूँ। तो पहले तो मैंने इसे गोल गोल कट कर लिया है, साथ में थोड़ा सा बेसन डाल दिया है और जो मसाले हैं, मसालों में मतलब एक है नमक, धनिया पाउडर, अजवाइन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। और इसके साथ ही मैंने लाल मिर्च डाल ली है, और ना फ्राई पैन मैंने यूज़ किया कढ़ाई की बजाय, फ्राई पैन में मुझे मतलब ज़्यादा सही लगता है। और सच बताऊँ यार, कढ़ाई अभी धुलने को है तो कौन मेहनत करे इतनी। तो मैंने उसी जो मटेरियल बनाया था उसमें आलू को डिप किया और एक एक करके फ्राई पैन में डालने स्टार्ट कर दिया। तेल ना अच्छे से गर्म कर लेना पहले, ऐसा नहीं कि तेल ठंडा है और आप उसमें डाल रहे हो तो जिसकी वजह से ना फिर वो टेस्ट भी नहीं आएगा और वो कच्चे भी रह जाएंगे। तो अच्छे से पहले तेल गर्म हो जाए, फिर उसके बाद एक एक करके डिप करके मतलब मसालों के साथ डाल देना इसे। और ये जब लाइट ब्राउन होने शुरू हो जाए ना तो इसे हिलाते रहना है, जो आपने करछी या जो भी आपके पास स्ट्रेनर होगा उससे हिलाते हैं ताकि ना ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए एक साइड से, मतलब दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। तो ना थोड़ा सा मटेरियल रह गया था बेसन वाला, तो मैं कि अब क्या किया जाए, तो फिर मैंने उसमें प्याज डाल दिए और प्याज को अच्छे से मिक्स कर दिया मसालों के साथ, जो मतलब मटेरियल बनाया था उसके साथ। और अब इसे सारों के सारे जो मैंने पकौड़े बनाए थे, जो आलू वाले पकौड़े थे स्लाइसेस वाले, वो निकाले और उसे एक प्लेट में रख दिया। ये
अब बारी आती है प्याज के पकौड़ों की। तो प्याज के लिए क्या किया ना मैंने, इसे वैसे तो मैं इसे भी गोल गोल स्लाइसेस में कट कर सकती थी, बट इतना ना मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैंने इसे जैसे हम तड़के के लिए कट करते हैं ना वैसे कट किया है, लंबे लंबे साइज में। बचा हुआ बेसन था ना उसमें जाके मिला दिया और इसे ऐसे ही तेल में डाल दिया, तो ये तीन बन के तैयार, और ये एक प्याज के तीन बने हैं। वैसे तो प्याज की भजिया भी बहुत अच्छी लगती है, बट अभी तो प्याज के पकौड़े के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। एक साइड ये कुछ ज़्यादा ही पक गया था, और मुझे जब मैंने इसे निकाला मतलब, तो ये मुझे लग रहा कि थोड़ा शायद जल गया है, तो इसे मैंने एक बीच में बनाई एक स्माइली, देख रहे हो ना आप मेरी स्माइली कितनी स्वीट है। और साथ में मैंने एक साइड रखा है प्याज के पकौड़े और एक साइड आलू के पकौड़े। अब बारी आती है इसे टेस्ट करने की, और जब मैंने इसे टेस्ट करने लगी ना, फिर मुझे याद आया कि कुछ कमी लग रही है। मैं ओ कैच मसाला जो है, चाट मसाला सॉरी, कैच का, उसे डालना भूल गई थी मैं, तो वो इसके ऊपर स्प्रिंकल किए और बस रेडी। और जब मैंने इसे दोबारा टेस्ट किया तो वाह मज़ा ही आ गया, और कितने यमी बने थे मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही टेस्टी थे। और आप मुझे बताना कि आपको आलू वाले पसंद है या प्याज वाले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक।